आज का प्लान है हमारा फीफी जाने का। शाबाश बेटा, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो इंडिया में 7 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो आज फुल डे फीफी का ही है। तो हमने 5,000 थाई बात में बुक कराया है, फीफी प्लस 4 आइलैंड टून, यहीं से लोकल एजेंसी करा लिया। कैब आ गई है। अभी हम यहाँ पे फीफी आइलैंड के लिए जाने के लिए स्पीड बोट यहाँ से लेंगे। अरे कहना क्या चाहते तो हो? एक पॉइंट तक उन्होंने छोड़ दिया है हमें। अब यहाँ से स्पीड बोट आई थिंक 30 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स यहाँ से लग जाएंगे अभी फीफी आइलैंड तक। बैम्बू आइलैंड, फीफी आइलैंड के निकल चुके हैं स्पीड बोट में। अब यहाँ से 1 घंटा लगेगा स्पीड बोट में। If you want to do fast swimming or snorkeling, you should go to another side. Go stay 2 hours there. I'm looking for the yellow ball area. They have the roof or yellow line. Okay, that is safety for swimming or for snorkeling. I will stay here for 1 hour. Everybody. तो अभी हम बैम्बू आइलैंड में पहुँचे हैं। स्पीड बोट ने छोड़ दिया है, यहाँ पे 1 घंटा रुकना है। अभी आइलैंड बहुत ही सुंदर है, ग्रीन वाटर है, सैंड वाइट है। स्नॉर्कलिंग के लिए सामान रेडी, लाइफ जैकेट भी रेडी है। और अभी बैम्बू आइलैंड पे हैं। स्विमिंग तो आती नहीं है यार, बट बैम्बू आइलैंड सुंदर है यार बहुत। देखो व्यू, एक लाइट ब्लूइश वाटर, उधर डार्क ब्लू है, वहाँ पे गहरा है ना आगे, इसलिए वहाँ पे डार्क ब्लू। रिहान ने भी यार पूरी मस्ती उतार रखी है। रिहान हेलो, हाँ चलो पानी में। हमें यहाँ पे यहाँ तक आने में भी आधा घंटा लगा है, और ये 1 घंटा हम यहाँ पे रुक सकते हैं। इन्होंने 1 घंटे का अलाउ किया, उसके बाद फिर वापस स्पीड बोट में अगले आइलैंड पे जाएंगे। फिर वापस स्पीड बोट में आ रहे हैं, और अब नेक्स्ट है फीफी आइलैंड जाने का। अभी 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं फीफी आइलैंड पे। यहाँ पे तो फीफी डून भी कहते हैं, और यही एक आइलैंड है जहाँ पे रुका जाता है। इससे पहले जो हम आइलैंड पे गए हैं वहाँ पे नहीं रुका जाता, वहाँ पे डून नहीं रुकता। ये फीफी आइलैंड का अभी जब पहुँचे यहाँ पे, यहाँ पे लंच कराएंगे। लंच फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इसके अंदर, जो हमने पे किया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टैन हो गई है बॉडी, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फीफी आइलैंड का सुंदर है बहुत, में अभी तक का मतलब कल ही तो हम आए हैं वैसे, बेस्ट बेस्ट जगह लगी अभी तक। पानी बिल्कुल ग्रीनिश है, काफ़ी अच्छा पानी है, जैसे मॉरिशस में भी है, मालदीव्स में भी, काइंड ऑफ मालदीव्स में ज़्यादा क्लीन है, उसमें ज़्यादा क्लीन नहीं है। पे ये लोग लंच कराएंगे, यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स है फीफी पे। लंच कर लिया है यहाँ पे हमने। अरे यार बहुत दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आइलैंड में। एक तो यार वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा नॉन वेज ही है और सी फूड ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं तो चिकन विकन खा भी लेता हूँ, वैशाली तो खाती नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी राइस और करी खाई है,
थोड़ा बहुत ही है वेजिटेरियन, बट ओवरऑल फूड की बहुत प्रॉब्लम है। और सेकेंड थिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट, लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, कई लैंग्वेज ही आती है, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश वैसे ही बहुत ज़्यादा बेकार है, हिंदी और ज़्यादा बेकार है, तो इनको समझाना पड़ता है तोड़ तोड़ के, समझ जाते हैं बट काफ़ी प्रॉब्लम होती है इनको, मतलब इंग्लिश कम आती है तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा रह जाता है। सुबह 1 बजे आएगा स्पीड बोट वाला वापस देने के लिए, अभी 1 बजे हो रहे हैं। माया बे बीच पे आए हैं, यहाँ पे 1 घंटे के लिए है रुकने के लिए, स्पीड बोट रुकी हुई है और अच्छा व्यू है, जंगल में है कुछ ये। ये रास्ता है, यहाँ से अंदर जाके देखना है कि क्या है, पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोल रहे हैं सब। रेहान काय मंकी, ये माया बे बीच है, इसकी सबसे ज़्यादा रील्स वील्स चलती हैं इंस्टा पे, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वो नीचे बीच पे अभी जाऊँगा मैं, अभी ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही क्लीन वाटर है। ये माया बे का रास्ता है नीचे बीच का, वैशाली को ढूंढना पड़ेगा कहाँ चली गई इरफान के साथ। वो मिल गई। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा माया बे पे? माया बे नाइस प्लेस है ना, अच्छा भी बना हुआ, आने का रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है। हाँ, अब वाटर भी क्रिस्टल है, वगैरह भी है यहाँ पे, स्नैक बार भी है और बीच भी अच्छा है, एक छोटा सा बीच अच्छा है, बट यू आर नॉट अलाउड टू स्विम। हमें तो स्विमिंग आती नहीं, 4 मीटर गहरा है। कौन? Yes, yes. Something echo, yeah. And in the picture,
That's a look like Viking boat painting. Yeah, that's what people call Viking. But inside there, they have a lot of painting. But the and now this bed is closed. They call it Viking boat. And one more thing, they have a lot of building. You know, floor of building. And it's here. वापस आ गए हैं अपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे, और 4:30 ही बज रहे हैं। इन्होंने करेक्ट टाइम पे ही छोड़ दिया हमें। अब यहाँ से ये इन लोगों ने कैब प्रोवाइड करी हुई है जिसमें आए थे। अब ये लोग ही होटल तक ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद रात में प्लान है लोकल मार्केट जाने का, वहाँ की जो होटल के पास है आवनांग बीच पे, और इंडियन फूड देखते हैं कहीं पर मिला तो वहीं पर तंदूरी नाइट से आसपास तो वहाँ पे खाएंगे। भाई साहब विशु ने यार कह दिया था वो 4 मीटर जहाँ पे गहरा पानी था ना लगून में, वहाँ पे कूदने के लिए। भाई समझ में ही नहीं आया कि हो क्या गया। थोड़ी देर तक तो ऊपर तैरता रहा, फिर हेल्प हेल्प बोलना पड़ गया था बहुत जल्दी। अभी मजाक ले रही थी काफ़ी कि जल्दी पैनिक हो जाता हूँ मैं तो। वैसे भी यार इतना जब स्विम करना नहीं आता तो प्रॉब्लमेटिक तो रहता ही है।